मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, आज तो सऊदी में जो आग लगी थी उसने इन्वेस्टर्स के पैसे जला दिए सबके सब, भले वो ग्लोबल हो या फिर इंडियन हो। हालांकि हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ अच्छे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एफएम साहिबा ने फिर से एक तोहफा दे दिया फ्राइडे को, सैटरडे को। इनफैक्ट इस बार पता नहीं था, लेकिन देखिए मार्केट तेजी करके गया था। अब लोगों ने मान लिया है, भले आप बोलो ना बोलो, फ्राइडे सैटरडे को आएंगे एफएम साहिबा, कोई ना कोई डोज दे के जाएंगी। लेकिन सऊदी का ओवरऑल जो इशू है, जिसने क्रूड ऑयल में 20% का तेजी दिखा दी, उसके बाद चलो नीचे आया, कितना बड़ा इशू है। और मार्केट अब इसको क्या लगातार इसी को रिएक्ट करेंगे, या फिर से हम अपने घरेलू चिंताएं जो थोड़ी बहुत कम होने लगी थी उसमें आएंगे एक एक करके? ठीक है, तो पहले तो सऊदी वाले इशू, क्योंकि वो इसी ने आज माइंड स्पेस को डोमिनेट करा था। वैसे वो पैसा जला दिया, वो जलाने का विजुलाइजेशन सोच रहा था, वो जलाया नहीं, मतलब थोड़ा सा मार्केट की भाषा थी। लेकिन हाँ, सऊदी अरब का इशू बड़ा है। अब सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस इसीलिए क्योंकि सऊदी अरब की जो ऑफिशियल कंपनी है, सऊदी अरब को स्टेट कंपनी है, उसकी बड़ी रिफाइनरी पे जो ड्रोन अटैक हुआ था सैटरडे को, उसका तगड़ा इंपैक्ट पड़ा। 5.7 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास ही सप्लाई इंपैक्ट हुई है, तो उसका एक नीजर रिएक्शन बनता था। अब सब कुछ दारोमदार इस बात पे है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बीच में कॉन्फिडेंस दिया दिलाया था जब उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि जल्द से जल्द बहाल कर लेंगे, कॉन्फिडेंट है कि X% पहले कर लेंगे और सारा का सारा सप्लाई बहाल करते हुए नजर आएंगे। तो अब वो स्ट्रीट को टाइमलाइन की जरूरत है। आज किसी रेटिंग एजेंसी के दिन में रिपोर्ट भी आई थी, आपको याद हो कि 3 से 4 मिलियन डॉलर बैरल्स के आसपास शायद रिस्टोर इतनी जल्दी ना हो पाए, अगर ऐसा हुआ तो $70 के बाहर ब्रेंट का उठ जाता हुआ नजर आएगा, जो कि 65 के आसपास ठंडा होकर पड़ा वापस आ गया। तो अब सब कुछ डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उन्होंने 48 आवर्स का टाइम मांगा था, सैटरडे सुबह ऐसा हुआ था, तो अब लॉजिकली आज शाम तक वो अपडेट आ जाना चाहिए हमारे पास सैटरडे से लेकर। तो अब वो 48 आवर्स जब कंप्लीशन होता है उनके हिसाब से, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऐसा कहा था, तो 48 आवर्स में अपडेट देंगे। तो अपडेट अब ओवरनाइट में ले अचानक बाजार की चाल के भी बहुत इंपॉर्टेंट वही हो जाएगा, जो ओवरनाइट डेवलपमेंट रिपोर्ट होंगे कि किस हद तक वो कब तक बहाल कर पाएंगे सप्लाईज को। और दूसरा इसके जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशन है, अब वो क्या था कि ईरान बैक्ड ये ड्रोन अटैक हुआ था, यूएस तैयार चचा, वो तो एकदम मूड में आ गए, मूड में आ गए, तो उसके पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, उसको भी समझना पड़ेगा ओवरनाइट। तो ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो जो नीजक रिएक्शन था वो स्ट्रीट में ऑलरेडी हम पचा चुके हैं, 20% की वरुण उछाल की बात करती, इवेंचुअली अब 7-8% के आसपास का उछाल रह गया, तो हम कूल ऑफ हुए हैं वहां से, लॉजिक थोड़ा प्रिवेल करा है कि अगर एक की सप्लाई नहीं आएगी तो बहुत जगह रशिया बहुत इजीली, ओपेक प्लस जो है रशिया बहुत इजीली सप्लाई अपनी ऑगर कर सकता है, यूएस जब चाहे, यूएस तो कह ही रहा है ट्रंप साहब तो हम तो तैयार है पूरा डाल देंगे जो भी हो। तो ओवरनाइट डेवलपमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कच्चे तेल ने आज मूड बिगाड़ा था इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ओवरनाइट हालात सुधरते हैं, खबरें अच्छी आती हैं, उस पर कल का पूरा पैक डिपेंडेंट होगा। हाँ, जहां तक आज के बाजार की बात है, इतना ज्यादा पैनिक नहीं था, अच्छी बात स्क्रीन पर। हाँ, और जहां गिरे वहीं मेरे जहां बॉटम खुले, जहां खुले वहीं बॉटम बना, उसके बाद से हमने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई और लोअर लेवल से रिकवरी आई, उसके बाद बहुत हद तक एक थिन लाइन के आसपास कंसोलिडेशन था। हाँ, और अच्छी बात ये 11,000 के ऊपर बंद हुए। दूसरी अच्छी बात है कि 10,970 के आसपास का जो जोन था, इंपॉर्टेंट जोन क्या है इस समय बाजार के लिए, और मैं पिछले कुछ सेशंस की ट्रेंड को मैप करके बता रहा हूँ, 10,950 ऑन द वे डाउन और 11,000-11,050 जो हम लोग बात करते हैं, या फिर 11,100 ये अटकने के जोन है, वो ऑन द वे अपसाइड अटक ही रहा है बाजार। आज भी देखिए ना, 11,050 के आसपास 52 गया था शायद आज का हाई, वहीं से हम कूल ऑफ होते हुए नजर आए। तो जो डिफाइंड मार्कर्स हैं उसके अंदर कामकाज होना, इवेंचुअली 11,000 के ऊपर बंद हो जाना ऐसे दिन में भी, दूसरा सेकंड रैंक स्टॉक्स चाहे वो मिड कैप्स हो, फ्लैट बंद हुए, स्मॉल कैप्स में खरीदारी थी, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव था, ऐसे दिन एग्जैक्टली 3/4% का जब निफ्टी में दबाव हो उस दिन, इस तरह का मोमेंटम अगर 2/3% का दबाव में भी अगर ये ब्रॉड मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है बाजार में। अब वो सारा डिपेंड करेगा कि ओवरनाइट क्या संकेत आते हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया से, उस पर हमें रिएक्ट करना है। और इस बीच जो हल्ला मचेगा फेड की बैठक को लेकर वो अलग, अगले दो दिन वही होगा, कल तो फोकस उस पर नहीं होगा, कल तो सारा फोकस है सऊदी अरेबिया और एफओएमसी के ऊपर होगा। हाँ, और एफओएमसी से रेट कट तो आप एक्सपेक्ट कर लें, लेकिन 1/4 आ जाए शायद, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, नहीं आएगा नहीं, अब मुझे नहीं लगता करेंगे लॉजिकली इससे ज्यादा भी, वो एक रेट कट तो बनता है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेट कट तो ऑलमोस्ट शायद गिवन है स्ट्रीट में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादातर सारा बाजार कॉशियस है कि शायद जितना डविश हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फेड साउंड करेगा, रीसेंट जैसे यूएस में डेटा आ रहे हैं उसका जितना डविश साउंड ना करे। अब उसका मतलब होगा कि आगे दरों की कटौती को लेकर फिर क्वेश्चन मार्क, वो ज्यादा कंसर्निंग है स्ट्रीट के लिए।
चलिए ठीक है, ये तो देखेंगे आपकी खबरें कैसे आती है और इसके ऊपर कैसे रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स में आता है, उसके बाद शायद इंडियन मार्केट में उसका क्या रिएक्शन है। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग था आपका, इतना बड़ा एसेट है कोई आके ड्रोन से उड़ा जाता है पता भी नहीं चलता। अब ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी तो ऐसी है, पता नहीं मुझे कैसे उड़ाया, लेकिन वो समझ में नहीं आया मेरे तो। आप गली आपको पता नहीं डेजर्ट में था, गली गली में वो गली से किसी बच्चे ने खेलते हुए गिरा दिया, चिंगारी से आग लग गई, मुझे नहीं पता। चलिए सरप्राइज है, लेकिन चलिए जो भी है। अच्छा ठीक है, सवाल ये तो डिबेट का क्वेश्चन है जो खुल जाता है। चलिए नीरज जी हमारा अड्डा ना करेंगे, नहीं बोल रहा हूँ। चलिए सवाल जवाब करते हैं। टाइटन दीपक आर्या पहले यही पूछे कि टाइटन में क्या किया जाए, अभी तो होल्ड करने का है। तो मैनेजमेंट से बात, आज मैनेजमेंट से बात हुई, पर मैनेजमेंट खुद भी हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा पेन था। okay. वाकई पेन था। एक पेन समझिए, सबसे टाइटन के साथ बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिसको हमें समझना है। पहला सोना जो इस तरह का उछाल दिखा के $1500 के आज भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ता सोना दो तरह का लॉजिक है, आप और मैं खरीदने जाना चाहेंगे और सोना बढ़ रहा होगा तो बने इंतजार कर लो भाई, ठंडा पड़ जाएगा। दूसरा जब सस्टेनेबल उछाल देखने को मिलेगा तो आप और मैं डिसाइड करेंगे लेना तो था, फला की शादी है तो ले लो जल्दी जल्दी, है ना। तो टाइटन का मैनेजमेंट यही बात हाईलाइट कर रहा था। अब वो कहना था कि शुरुआत में जून मिड से जब दाम बढ़े तो जून जुलाई अगस्त बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा क्योंकि लोग साइडलाइन पे बैठे हुए थे। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन मैरिज सीजन सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि सितंबर जो अभी महीना शुरू हुआ है अब आग रहा है कि लोग बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर एक इशू और आ गया, वो श्राद्ध का पीरियड आ जाएगा, फिर उसके बाद फेस्टिव डिमांड आ गया शुरू हो गया तो प्री फेस्टिव बाइंग आएगी। पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये Q1 Q2 तो गया, Q1 में सिर्फ 13% ग्रोथ थी, Q2 भी शायद ठंडा ही रहेगा क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया जुलाई अगस्त गया, है ना। अब वो सेकेंड हाफ में लेकिन फिर भी रिलेटिवली अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 20% की छमाई में ग्रोथ आ जाएगी, पर उसको लेकर थोड़े से कॉशियस साउंड कर रहे थे। तो ये तो पहला पार्ट की जो कंसर्न थे शायद कुछ हद तक प्राइस में आ चुके हैं। ओके, पर दूसरा इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू मेरे लिए है, और मैंने सवाल भी पूछा था, आप थे उस समय स्टूडियो में, मिलेनियल्स आजकल का बजवर्ड तो यही है, यंग यूथ मिलेनियल्स। वो मिलेनियल्स के साथ है कि मैडम निर्मला सीतारमन ने भी बात का बताई कि गाड़ियां नहीं खरीदनी, गाड़ियां नहीं खरीदनी क्योंकि ओला उबर और कम खर्च, इतने स्मार्ट मिलेनियल्स हैं तो ज्वेलरी भी क्यों खरीदेंगे, एक ज्वेलरी से शादी हो जाती उसके बाद ज्वेलरी रखी करेंगे क्या एक्स्ट्रा खरीद के। तो फिर ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है कि मिलेनियल्स अगर वाकई मूव कर रहे हैं, स्मार्ट हो चुके हैं, आजकल को लिविंग की बात कर रही है रियल एस्टेट कंपनीज, को वर्किंग स्पेस की बात कर रही है, तो इस तरह से तो एसेट्स को यूटिलाइज करा जा रहा है, कोई करना नहीं चाहता खर्च। पर वो कह रहे हैं हाँ पैटर्न शिफ्ट हुआ है, लेकिन मिलेनियल्स अभी भी जो हमारे ब्रांड सेवी है ब्रांड्स अभी भी खरीद रहे हैं, मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि हाँ आप और हमारे टाइम से पहले वाला हमारे में भी थोड़ा बहुत लॉजिक सैनिटी आ चुकी है, लेकिन शादी के टाइम ऐसी सैनिटी नहीं थी तब भी, लेकिन मैसिव एक्विजिशन होता था उस टाइम पे ज्वेलरी। अब मेरे को लगता है लॉजिकली ये मिलेनियल्स है, ओके इतनी स्मार्ट है तो एक ज्वेलरी तो शादी होगी, उसके बाद यू डोंट नीड अनदर ज्वेलरी, आपके वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी स्मार्ट आती है काम हो जाता है। इमरान आप मानते हैं ना, वो क्योंकि सर लाए जा रहे हैं, मुझे लगता है उनकी घर की कहानी मैं सुना रहा हूं। तो बेसिकली कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट है उसको आपको नोट करना पड़ेगा, लेकिन इस समय ये सब लंबी कहानी है। जब आप टाइटन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इन सब डेरिवेटिव्स को नजर रखिएगा, ये मिलेनियल्स वाली खासतौर पर। लेकिन फॉर द टाइम भी मुझे लगता है कंसर्न्स प्राइस दिन है, 15% ऑफ हाइज अभी भी ट्रेड कर रहा है, होल्ड करें, ये इवेंचुअली अपने हाइज दिखाएगा ये स्टॉक। जब ये डिमांड साइकिल सितंबर ऑनवर्ड जब पिकअप हो चुकी है, जब खबरें इसकी अच्छी आएंगी ना मैनेजमेंट इंटरव्यूज में, तो मुझे लगता है होल्ड करने का बनता है स्टॉक, अच्छी कंपनी इसको होल्ड कीजिए। अब अगला सवाल एचजीओ वेबसाइट पे पलक जैन पूछ रही है कि इसमें हो क्या रहा है, क्या कोई खबर है। वो पलक ने पूछा था कि मेंटेन कैसे करते हैं, तो मैं वरुण था तो बता नहीं पाया, ये जान नहीं रहे हैं, तो रनिंग स्विमिंग जॉगिंग फुटबॉल कुछ नहीं करते हैं। करना चाहते हैं सब कुछ। करना चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता और क्या। अरे ये सब दूर की बात है, फ्राइडे को पलक ऑफिस के बाद मूवी चला गया, ये कौन सी आई अभी अपन ने शो भी करा था, नहीं लास्ट ड्रीम गर्ल चला गया, तो इवनिंग वाली मूवी थी और बहुत रात वाली भी नहीं थी, मेरे ख्याल से 8-1 बजे का शो था, वो मूवी तक पूरी देख पाया, मैं सो गया था उस मूवी में। अरे आप 4 बजे उठते हो यार, झेल ही नहीं पाया, तो जहाँ स्लंप आया मैं सो गया, तो हम कहाँ एक्सरसाइज कर पाएंगे। एचजीओ और ग्रेफाइट की कहानी पलक हम लोग ने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, फ्राइडे को ही करी है, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप प्लीज वो सुनना। पर एचजीओ ग्रेफाइट ये वो वाले हैं साइक्लिकल स्टॉक्स पलक, एकदम परफेक्ट साइक्लिकल स्टॉक्स का बेट है, जो आपने सही पकड़ लिया तो मल्टीबैगर बनेंगे, लेकिन दे गोइंग टू हैव देयर ओन पीरियड जहां पे पड़े रहेंगे, सालों तक कंसोलिडेट करते रहेंगे, कुछ नहीं करके देंगे। अब क्या इन लेवल्स पे जिस भाव पे करेक्ट होके आगे अट्रैक्टिव बैठ है, एनीबॉडी इज गेस, तो यहां से कुछ और करेक्ट हो सकता है, हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं, अगर मुझे अगर एक तो एचईजी और ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स अगर मैं लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर हूं
उन्हीं के लिए है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये साइकिल कब वापस चलेगी, है ना। ये पिछली साइकिल चली थी, सालों बाद चली थी पलक, और ये 200-300 का स्टॉक 4,950 तक गया था। जब सालों बाद चली तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स के सालों के रिटर्न एक एक 6 महीने में निपटा था इस कंपनी ने। तो वो अब मुझे नहीं पता कि 800 के 900 के लेवल सही है या यहाँ से 500 तक 400 तक जाएगा, निबलिंग करता चलूं। मेरे लिए बेस्ट वही है कि मैं 100-100, हमने यही बात करी थी, 100-100 रुपए के नीचे कुछ एक्युमुलेशन करते चले, इन द होप कि इवेंचुअली ये साइकिल जब टर्न होगी तो अच्छे मैसिव रिटर्न्स देगा। पर अगर आप उस तरह के पेशेंट इन्वेस्टर हैं, ये उस तरह के लोगों के लिए जो डीमेटलाइज फॉर्म में नहीं, वो कागज में पढ़ देते हैं शेयरों को, भूल जाते तो अरे मरखुदा इतना रिटर्न निकालते हैं। तो ये इस तरह की, क्योंकि हमारा, मैं तो पेशेंट रन आउट कर जाऊंगा, सिंपली कह रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल, आप HG का चार्ट खोल के देखिएगा कितने साल का पेशेंस था, उसके बाद रिटर्न ऐसे दिए कि शायद दशकों में कोई ना दे, कितने मैनेजमेंट चेंज होंगे, है ना। तो ये कंसर्न्स हैं पलक, इसको सोच कर घुसिएगा, वो पेशेंस रख सकते हैं, रख के भूल सकते हैं, और यहाँ से एवरेज करने का वो रो है कि 100-100 रुपए में एवरेज कर सकते हैं तब एंट्री करिए, नहीं तो ये स्टॉक्स अपनी कहानी के बाहर है। और फिलहाल जो चल रहा है इसमें सिर्फ एक ट्रेडिंग बाउंस है, क्योंकि काफी गिर चुके थे मार्केट में, सब चल रहे तो ना, और अच्छी खबरें भी आ रही थी चीन से अभी। हाँ। चलने का रीजन समझिए, ग्लोबल लैंडस्केप में अच्छी खबरें, ट्रंप साहब का टैरिफ को डिफर कर देना, चाइना को कहना कि हम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रिड्यूस करेंगे, वीकेंड पे खबर आ जाना कि चाइना पोर्क का और सोयाबीन के इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस कर रहा है, ये सब बॉन होमी यानी कि आपसी प्यार के थोड़े बहुत इंडिकेशन जो आ रहे हैं, ये काफी होते हैं स्टॉक्स को तूल देने के लिए समय, क्योंकि बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं जैसे वरुण कह रहे हैं। तो ये रीजन है, इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकता है ये थोड़ा हो ही जाए अगली बैठक में जो होने वाली है 1 अक्टूबर के बाद, पता नहीं फर्स्ट मंथ अक्टूबर के महीने में स्टार्टिंग में बैठक होनी है, उसमें पता नहीं दोस्ती हो दोनों के बीच में सब खत्म, तो स्टॉक रिलेट हो चुके होंगे, इसलिए एनीबॉडी इज गेस। और ये नहीं हुआ तो ये लिंगर कर सकता लंबे तक, तो ये टाइम करना बड़ा मुश्किल है, और अगर टाइम नहीं और ये लिंगर करेगा तो स्टॉक और नीचे जाएंगे, क्योंकि लॉजिकली प्रेशर आना है। बाकी डिटेल्स क्यों प्रेशर आ रहा था फाइनेंशियल्स पे, उस पे सुनिएगा आप। अच्छा, इक्विटास पे महेश चौहान पूछ रहे हैं किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, 52 किलो पे तो है ये स्टॉक। अब दिक्कत ये है ना, ये होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट वाला गेम शुरू हो गया है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट करना है, लिस्ट करना है ना। अब उस इसके धंधे में वैल्यू सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक की है इस समय, है ना, दूसरे धंधे की तो वैल्यू है ही नहीं। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक जब मार्च 2020 तक लिस्ट करेंगे ये लोग, वो उसका एक्स डिस्काउंटिंग होगी। अब बाजार डिस्काउंटिंग को बड़ा वेगली ट्रीट करता है, जिस दिन मन करता है वैल्यू के 50% डिस्काउंट इज गुड इनफ, जिस दिन मूड बिगड़ता है वैल्यू का 90% डिस्काउंट चले जाता है तो भी वैल्यू नजर नहीं आती बाजार को। तो ये डिस्काउंटिंग बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि इतना डिस्काउंटिंग का आंकड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान में ये डिस्काउंटिंग 20-30% से लेकर 90-95% जाती हुई मैंने देखी कई सारी इलिक्विड कंपनीज के लिए। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बेट करना कि ये डिस्काउंटिंग का, तो लेट द मार्केट, और ये कोई नहीं कर सकता, यू विल हैव टू लेट द मार्केट डिसाइड कब ये डिस्काउंटिंग पचा चुका है। आज तो प्रेशर है, लेट इट सेटल डाउन, पता चल जाएगा बाजार कैसे एडजस्ट कर रहा है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कि यहाँ से और फर्दर डिस्काउंटिंग ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा बाजार, क्या वैल्यूएशन स्मॉल फाइनेंस बैंक को दे रहा है, किस तरह की डिस्काउंटिंग की यहाँ पे बात करेगा, ये सब गेसवर्क है, इसलिए लेट द मार्केट डिसाइड। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं, दीपक झा NBCC पे भी पूछ रहे हैं। अब ये सरकारी कंपनी अच्छी तेजी आ रही है, अफसोस वाली बात नहीं है, अगर नीचे पकड़ लिया आपने, पर ये सब सरकारी कंपनियां बरसाती मेंढक टाइप हो गए मेरे लिए, है ना, इतने पिटते हैं उसके बाद, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला मोदी जी जाग की सरकार में कुछ एक्शन में आती है तो ये स्टॉक जाग जाते हैं, है ना। तो अब खबरें STC MMTC को लेकर, किसी ITDC को लेकर, किसी मद्रास फर्टिलाइजर और किसी फैक्ट को लेकर, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसीलिए इस तरह का मोमेंटम पकड़ते हैं, सही भाव पे पकड़ा है। वैल्यू कंपनियों में होती है, ऐसा नहीं BEL में बहुत वैल्यू है, BEML में बहुत वैल्यू है, NBCC बाजार को बहुत पसंद आता था एक समय में, पर ये लॉजिक के परे चलती है कंपनीज। तो ये ट्रेडिंग बेट्स हैं, हमेशा मैंने कहा पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से नीचे की तरफ अट्रैक्टिव लगते हैं, बारे मानसून आने वाला है इनका, तो उस हिसाब से आप पोजिशन बनाइए और अपने राइड को एंजॉय करिए, इससे ज्यादा कोई फंडामेंटल कॉल लेना सरकारी कंपनीज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरकार, और लॉजिक भी समझिए, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, सरकार हमेशा माइनॉरिटी शोल्डर्स का प्रेफरेंस नहीं देखती है, है ना, वो अपने कॉफर्स का प्रेफरेंस देखती है, अपना पैसे का, तो माइनॉरिटी शोल्डर्स का हित में तो कभी फैसले हुए ही नहीं है, तो इसलिए लॉजिकली कोई बैट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। तो ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेड, और आप पसंद भी आ रहा है, वैल्यू बहुत नजर आ रही तो लीजिए, पर समय रहते अच्छे प्रॉफिट में निकाल भी मिलेगा, तो ये जहां लिया था वहीं मिलेगा भी आपको कभी ना, इसीलिए उस हिसाब से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा पसंद नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा, अगर मैं गिनाना शुरू करूं कैसे बैलेंस बुक ऑर्डर बुक एक्रीशन हो रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे फैसले आए, तो लॉजिकली सब कुछ अच्छा लगेगा, पर सुना के भ्रम नहीं क्रिएट करना चाहूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलिए ठीक है, तो इसी नोट पे आप विदा लेते हैं,
क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। अच्छा